आज की क्लास में हम बताएंगे जमीन खरीदने का लिमिट यानी सीमा। जमीन खरीदने का लिमिट हर एक राज्य का, भारत के जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य में हर व्यक्ति के लिए जमीन खरीदने का एक लिमिट यानी सीमा गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया है। उस लिमिट के मतलब उस लिमिट से अधिक आप जमीन खरीद ही नहीं सकते। और ये लिमिट क्या है, इस वीडियो में आपको हर मतलब भारत के हर एक राज्य का लिमिट जो है वो लिमिट पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरे देखिए ध्यान से, जिससे आपको ये जानकारी मिलेगा। और बहुत व्यक्ति को ये भी तो जानकारी भी नहीं है कि जमीन भी खरीदने का एक लिमिट होता है, वो भी गवर्नमेंट तय किए है प्रत्येक राज्य में अलग अलग, ठीक है। बहुत व्यक्ति को पता नहीं होगा, लेकिन ये देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बिहार के बारे में बात करेंगे, इसलिए क्योंकि हम बिहार राज्य से हैं, ठीक है। तो बिहार, तो सबसे पहले बिहार का देखेंगे, ठीक है। बिहार देखिए, बिहार राज्य में जमीन कोई भी व्यक्ति हो, वो व्यक्ति 10 एकड़, क्या 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है, क्या 10 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है। और 10 एकड़ जमीन कम नहीं होता है, 10 एकड़ जमीन कम नहीं होता है। अगर 10 एकड़ के बारे में जानना चाहते हैं कितना स्क्वायर फीट होगा, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे करना है आपको यही कि 435.6 गुणे 100 को गुना कर दीजिए 10, यानी इतना से गुना कर देंगे। इतना से गुना करने के बाद जो आएगा, ठीक है, अगर हम देखिए गुना करने के बाद इसको लेते हैं, देखिए कितना आएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। क्यों कट गया, यहाँ पे एक जीरो है ना, नीचे में जीरो आया, कट गया, ठीक है। तो देखिए इसमें आ गया, देखिए 43,000, देखिए 435,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा आदमी बिहार जी मतलब बिहार राज्य में, बिहार राज्य के प्रत्येक जिला में, यानी बिहार राज्य के 38 जिला है, तो 38 जिला के लिए ये लिमिट है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि इससे ज्यादा वो जमीन नहीं खरीद सकता। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने में कभी कभी कोई मतलब ऐसी करते रहते तो इससे भी मिस हो सकता है, तो वो कभी कभी होता है कि कैलकुलेशन में कुछ गलती हो जाता है, तो स्टूडेंट जो है उस चीज को लेके थोड़ा मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि इतना होगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं, आप बता दिए, तो कैलकुलेशन करके आप खुद भी पता कर सकते हैं अगर कुछ मिस हो गया, लेकिन यहाँ पे कोई मिस नहीं है, जो होना चाहिए इतना स्क्वायर फीट, स्क्वायर फीट को ही वर्ग फीट कहते हैं, वर्ग फीट, ठीक है। इतना तो 10 एकड़ में इतना होता है, लेकिन हम आपको ये इसलिए बता दिए जिससे आपको एक दायरा पता चल जाएगा स्क्वायर फीट में। ऐसे डिसमिल में बात करेंगे तो आप 1000 डिसमिल से ज्यादा नहीं खरीद सकते, क्या यानी ये देखिए, एक डिसमिल में 100 सॉरी एक देखिए यहाँ पे एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है, ठीक है, एक एकड़ में 100 डिसमिल होता है, तो 10 एकड़ में कितना होगा, 10 से गुना कर दीजिए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा डिसमिल, तो मतलब 10 एकड़ में कितना आ जाएगा, देखिए 1000, तो 1000 डिसमिल से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता है कोई व्यक्ति डिसमिल में देखा जाए तो। अब आप क्या कीजिएगा, खुद से कन्वर्ट कर लीजिएगा, हम ये चीज बार बार नहीं बताएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं झारखंड, आखिर झारखंड में जो हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड है उसमें क्या है, तो देखिए बिहार झारखंड जो है ना हाल फिलहाल में ही अलग हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे भी 10 एकड़ ही है, यहाँ पे भी प्रत्येक व्यक्ति 10 एकड़ ही और डिसमिल में 1000 डिसमिल से ज्यादा नहीं खरीद सकता है। तो यहाँ पे हम बिहार लिख दिए हैं, तो इसको झारखंड कर देते हैं, झारखंड, ठीक है। अब अगर आप में से कोई झारखंड का है तो कमेंट कीजिएगा, जो व्यक्ति बिहार का है
वो भी कमेंट कीजिएगा, और वीडियो किस प्रकार लगा, अच्छा लगा तो लिखिएगा नाइस, बहुत अच्छा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमको पता चलेगा कि मेरे वीडियो का फायदा जो हम माइंड में है, जो रहता है कि कुछ व्यक्ति कोई चीज के बारे में जानकारी मिले और नॉलेज पहुंचे, तो उससे खुशी मिलता है कि आदमी सब एक्टिव है, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा। तो झारखंड, झारखंड में भी 10 एकड़ ही लिमिट है, ठीक है। इसके बाद यूपी यानी महाराष्ट्र लेते हैं, महाराष्ट्र में 54 एकड़, क्या 54 एकड़ से अधिक व्यक्ति जमीन नहीं खरीद, कोई भी व्यक्ति हो 54 एकड़ से अधिक नहीं खरीद सकता। उत्तर प्रदेश यानी यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में भी 54 एकड़ से अधिक नहीं खरीद सकता है कोई भी व्यक्ति, 54 एकड़ से अधिक, ठीक है। देखो बिहार झारखंड में 10 एकड़, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश यानी यूपी में 54 एकड़, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है, असम, राजस्थान, इस सब में जो है आपको लिमिट जो है 100 एकड़ है, 100 एकड़ यानी बिहार झारखंड से 10 गुना अच्छा है। ज्यादा जमींदार लोग, ज्यादा जमीन वाले व्यक्ति लोग आपको महाराष्ट्र, असम और राजस्थान में मिलेंगे, ठीक है, ज्यादा जमीन है, ज्यादातर जो है आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा, असम में भी 100 एकड़ और राजस्थान में भी 100 एकड़, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा गुजरात और उड़ीसा, देखिए क्या गुजरात और उड़ीसा यहीं पे लिख देते हैं या इसी में लिख देते हैं, गुजरात में 75 एकड़, क्या 75 एकड़, ठीक है, क्या 75 एकड़, और उड़ीसा में, इधर उड़ीसा ले लेते हैं, उड़ीसा में भी 75 एकड़, ठीक है, क्या उड़ीसा में भी 75 एकड़, इस प्रकार, ठीक है। तो देखिए ये जो हम आपको बताए हैं ये प्रमुख प्रमुख जगह, ठीक है, ये प्रमुख प्रमुख राज्य है, और हर एक राज्य में, मतलब हर एक राज्य में बहुत सारे जिले होते हैं, ये प्रत्येक जिले के लिए है यानी पूरे राज्य के व्यक्ति के लिए है। तो अगर जो व्यक्ति बिहार में है, ठीक है, जो व्यक्ति बिहार में है तो बिहार में 10 एकड़ जमीन खरीद सकता है, वही व्यक्ति अगर राजस्थान में जाके अगर खरीदना चाहेंगे तो फिर प्रॉपर वहां का पूरे उसका जो है डॉक्यूमेंटेशन का कार्य होता है, वहां का प्रॉपर एक होता है नागरिक, बोला जाए तो नागरिक नहीं, भारत का नागरिक है, क्योंकि वहां पे भी जाएंगे तो जो भी उस एरिया का होगा हो सकता है हमको डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, उसके बाद वो भी वहां पे जाने के बाद वो क्या करेगा यानी खरीद सकता है। तो वहां पे देखिए ये मध्य प्रदेश की राज्य, मध्य प्रदेश के जो सरकार है वहां के, जो वहां के सरकार है, ठीक है, वहां पे जो भी सरकार बना हो, जो भी सरकार वहां पे चलाता हो, मध्य प्रदेश का सरकार वो तय करेगा, ठीक है, कि क्या मतलब क्या वहां पे खरीदने का होगा। लेकिन अलग अलग राज्य में अलग अलग ये चलता है, बाकी कुछ ऐसी चीज होते हैं वो केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं, ठीक है, तो केंद्र सरकार निर्धारित करती है, कुछ ऐसे चीज पे संशोधन भी होता रहता है, ठीक है, वो संशोधन अगर होता है तो वो बात दूसरा हो गया, लेकिन फिलहाल में जो है प्रत्येक राज्य का लिमिट यही है, संशोधन ऐसे संशोधन वगैरह करके ही किया गया है, ठीक है, अब कोई अभी संशोधन वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है, तो ये इसको फिक्स आप मान सकते हैं, अभी अभी तक जो है फिक्स है और आगे भी ये फिक्स ही रहेगा, और हो सकता है कि इसको दायरा को आगे जाके कुछ ऐसी बात हो तो घटा सकता है कोई ना कोई जनसंख्या वृद्धि होने के कारण, लेकिन अभी तक तो यही है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, ये नॉलेज अच्छा लगा,
तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर और अगर अमीन का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और इसी प्रकार अमीन संबंधित यानी जमीन संबंधित नॉलेज रखना चाहते हैं और एक सफल अमीन बनना चाहते हैं या प्रॉपर्टी डीलर वगैरह में भविष्य में काम करना चाहते हैं या ऐसी अपना अचल संपत्ति यानी अपना संपत्ति को देख रेख के लिए आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या अपने करियर बनाना चाहते हैं अमीन के क्षेत्र में, तो आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से ट्रेनिंग होता है, यहाँ रह के भी ऑफलाइन में आप यहाँ पे रह के भी कर सकते हैं, लॉबीज की सारी सुविधा है, ऑनलाइन घर बैठे भी कर सकते हैं। किशोर अमीन ट्रेनिंग जो एप्लीकेशन है ऐप है उस पे स्पेशल अमीन का ट्रेनिंग होता है और पूरे भारत में स्पेशल यही एक ऐसा ऐप है जिस पे स्पेशल अमीन का ही ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं मिलेगा नहीं, ये यहाँ पे प्रॉपर ही अमीन का ही ट्रेनिंग होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ये स्पेशल है। पूरे बिहार पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे इंडिया में ये स्पेशल अमीन ट्रेनिंग सेंटर है, अमीन ट्रेनिंग एकेडमी, अमीन ट्रेनिंग कॉलेज, आप जो इसको समझिए वो आप यहाँ पे आराम से आगे कर सकते हैं और इस प्रकार नॉलेज ले सकते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो फिर जो नंबर स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है मैसेज जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास।